नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के गरुण राजकीय इंटर कॉलेज में आज मतदान में अधिक भागीदारी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य राजीव मिश्रा ने बताया कि स्वीप टीम के नोडल अधिकारी और कर्मचारियों ने मतदान अभियान को अच्छे से चलाते हुए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने इस बार मतदान में लोगों की ओर से अधिक भागीदारी करने की अपील की है। आज अटल पुष्ट पदम सिंह परिहार जीएससी वजुला में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो है हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी और इसके सक्रिय सदस्यों द्वारा जो है अधिकतम मतदान की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। कोई मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए, मतदाता में अपने नाम के सुधार के साथ साथ जो है सभी वांछित लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना और जो उचित ना उनको अपने अभ्यर्थन निरस्त करने के बारे में भी अवगत कराया गया। बागेश्वर में जिला कांग्रेस इकाई ने पार्टी कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पार्टी के देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अपनी जरूरी भूमिका निभाने की बात कही। साथ ही इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने का संकल्प लिया है। आज पूरा देश 137वां स्थापना दिवस के रूप में कांग्रेस का जन्मदिवस मना रही है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की नींव रखी गई, जिसमें सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ होम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, जिसमें दादाभाई नरोजी बाचा सहित 72 लोगों ने, जो समाज से भी बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, उन सब लोगों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो कि आज तक जिन्होंने भारत के गुलामी से लेकर आज़ादी प्राप्त करने तक, उसके बाद तक आज तक कांग्रेस पार्टी देश की सेवा करते आ रही है। आज स्थापना दिवस कांग्रेस का यहाँ पर 137वां मनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय बागेश्वर में मिष्ठान वितरण और कांग्रेस के जो स्वतंत्रता के लिए जो योगदान है उस पर एक गोष्ठी रखी गई, और हम सब ने कांग्रेस के जो सिद्धांत है उस पर चलने का प्रण लिया है। और हम हमेशा ही गांधी जी की विचारधारा से, नेहरू जी की विचारधारा से और पटेल जी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। बागेश्वर जिले के गठन के 24 साल बाद खेल स्टेडियम के बनने की उम्मीद से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। वह स्टेडियम के लिए शासन ने 38 लाख रुपए खेल विभाग को जारी कर दिए हैं और साथ ही इसके लिए यूपी निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है, जिसके बाद अब जल्द ही स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिले में अपना स्टेडियम बनने जा रहा है और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत एक खुशी की बात है। और हमारे स्टेडियम बनने से जितने भी समस्याएं हमें होती थी स्टेडियम बनने से पहले, ग्राउंड नहीं हमारे पास एक प्रॉपर है, और हमारे जितने भी प्रतिभावान लड़के हैं बाहर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो वो दिक्कतें नहीं होंगी। सेना में भर्ती के लिए जो प्रयास करते हैं वो यहाँ से अपना गुलर भोज या देहरादून या दिल्ली यहाँ वहाँ जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें वो दिक्कतें नहीं होंगी। और भी कई चीज़ें हैं, कई दिक्कतों का सामना जो हमने किया वो हमारी नई पीढ़ी को नहीं करनी पड़ेगी। ये एक काफ़ी अच्छी पहल करी गई है खेल स्टेडियम बनाने की, जिससे यहाँ के युवा खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले तक यहाँ जिले में केवल 2 छोटे छोटे मैदान थे जिनमें क्रिकेट प्रतियोगिताएँ या अन्य प्रतियोगिता कराने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब स्टेडियम बनने से जो है जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं इनको एक नया मंच मिलेगा और काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी जिले के लिए। ये काफ़ी एक अच्छी उम्मीद है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है, बागेश्वर जनपद को अब खोली गांव है यहाँ से गरुण वाली रोड में, तो वहाँ पर हमें भूमि जो है मिल चुकी है और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी पूरी हो गई हैं और उसका जो NPV की जो धनराशि है वो हमारी यहाँ आ चुकी है और ट्रेजरी में हमने उसको लगाया है, तो उस धनराशि को वो जो संबंधित विभाग को जाएगी
उसके बाद फिर और इसकी प्रक्रिया जो है फिर शुरू होगी। हाँ, ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे पास एक ग्राउंड नहीं था जिससे हमें स्थानीय डिग्री कॉलेज में सारे गेम्स इंडोर के जो आउटडोर के जो होते थे वो हमें सब संपन्न कराने पड़ते थे, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि बच्चों को प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं मिल पाता था। अब नए स्टेडियम हमारा स्वीकृत हो गया है, अब वो बन जाएगा तो उसमें हम अपना सारा स्टाफ हमारा रहेगा, हमारे कोचेज। बागेश्वर में महात्मा गांधी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग की और साथ ही प्रशासन की मदद से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने आंदोलन खत्म किया, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग थी, जैसे हमारा 15 मार्च से हमारी हड़ताल शुरू हो गई थी, तो 7 जून तक हमारी हड़ताल, सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांग को पूरा करने के बाद तुरंत जो है कैबिनेट में पास करके शीघ्र शासनादेश लागू किया जाएगा, ये कह के जो है सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। तो हमने हड़ताल समाप्त किया, उसके बाद हम अपने काम में चले गए थे, तो काम में लगे तो उसके बाद हम लगातार अभी काम कर रहे हैं, किंतु मांग तो पूरी करना दूर की बात है। अभी तक हमें हमारा 9 माह तक हमें मानदेय नहीं मिला है, और जबकि हम लगातार जो शासन से हमें लक्ष्य दिए जाते हैं उन लक्ष्यों को हम मनरेगा के अंतर्गत जो लक्ष्य हमें दिए जा रहे हैं तो उनको पूरा कर रहे हैं, समय पर पूरा कर रहे हैं, और मनरेगा के अलावा अन्य काम भी जो हमें दिए जाते हैं तो हम लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे कि हमने 15 मार्च से अपनी हड़ताल की थी, उससे पहले हमने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेट दिया था कि हमारी ये मांगें हैं। सरकार ने उन मांगों को तो नहीं सुना। एक हमारी एक ऐसी हड़ताल रही, हमने बीजेपी प्रशासन के तीनों मुख्यमंत्री उस हड़ताल के पीरियड में देखे हैं। 84 दिन की जो हमारी हड़ताल रही उसमें हमने तीनों सीएम को देखा और तीनों ने हमारी हड़ताल की जो हमारी मांगें थी उनको दरकिनार किया। और हम लोग ने कोरोना पीरियड में इतना दिन रात मेहनत करी, प्रवासियों को इनके रोज़गार के जो ये आंकड़े देते हैं उसके पीछे मेहनत हम सभी कर्मचारियों की है। हम छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, हम कोई 7,000 कोई 8,000 रुपये मेहनत ले रहे हैं, उन्हीं से इनके घर का भरण पोषण हो रहा है। अभी बीच में दिवाली थी, दिवाली के टाइम पर भी लोगों के पास 1 रुपया नहीं था काम करने के लिए, इनके पास दिन रात काम ही काम है और पैसा देने के लिए इनके पास सैलरी तक का पैसा नहीं है। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर श्रमिकों को सामान देने को लेकर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला मुख्यालय में तो सामान नहीं दे रहे, लेकिन विध्यापक के कहने पर गरुड़ में छुट्टी के दिन सामान बांट रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की और साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द सामान नहीं बांटे जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जी बताएं कि समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया। आज हमने अपने जिला अध्यक्ष से श्री लोकपाल पाठक जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन दिया है कि जो श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। श्रमिकों को तो बुलाया तो जा रहा है, सामान नहीं बांटा जा रहा है, जबकि आज मैं पूछना चाहता हूँ श्रम अधिकारी से कि उन्होंने आज तक अनुसूचित जात की कन्याओं के विवाह के लिए कितने लोगों को यहाँ से राशि उपलब्ध कराई है। आज जिलाधिकारी के माध्यम से DM साहब को ज्ञापन दिया गया है जिसमें श्रमिकों के साथ जो शोषण हो रहा है वो उनके लिए खिलाफ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि जब उनको बुलाया जाता है तो उनको सामग्री वितरण कर देनी चाहिए। ये व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा रही है, श्रमिक आ रहे हैं लेकिन वो खाली आर लौट जा रहे हैं, इसलिए जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा कि उनको उचित स्थान पर बुलाया जाए और सही समय पर उनको एक जगह बुलाया जाए ताकि उनका सही वितरण हो सके। देखिए, श्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों का ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा जो सामग्री बांटी जा रही है दी जा रही है, लेकिन श्रम अधिकारी द्वारा न समय उनको समय दिया जा रहा है और न ही स्थान बताया जा रहा है, सिर्फ मोबाइल पर मैसेज किया जा रहा है और चाहे वो कपकोट से बागेश्वर हो खड़े से हो वो लोग श्रम विभाग पर आ रहे हैं और परेशान होकर घर को जा रहे हैं। मैंने कल भी श्रम अधिकारी से इस बारे में बात की थी, DM साहब से भी बात की थी, SDM साहब वहाँ पर आए थे, लेकिन फिर भी श्रम अधिकारी ये नहीं बता रहा है, बता रहे हैं कि
आपको कब सामान सामग्री मिलेगी और किस जगह पर मिलेगी। और मेरा अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय से कि वो हर ब्लॉक में के लोगों के श्रमिकों के वहीं सामग्री दी जाए ब्लॉक वाइज, और हर ग्राम प्रधान को ये बताया जाए कि आपके गांव के कितने श्रमिक हो, इस दिनांक के इतने दिन को आप उस दिन आप अपनी सामग्री ले जाएं, ये सूचित ग्राम प्रधान को। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।